नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर अनमोल कुमार। आज हम बात करेंगे पुरुषों में प्रोस्टेट ग्रंथि की जो वृद्धि होती है उसे ठीक करने की होम्योपैथी दवा के बारे में। मुख्य तौर पर मैं एक ड्रॉप के बारे में बात करूंगा और एक मदर टिंचर के बारे में बात करूंगा। खास करके दोस्तों, ये दवा जो है R25 है, रेक्वेज R25 जिसे हम लोग कहते हैं, ये प्रोस्टेट ग्रंथि की वृद्धि को रोकने वाली एक ड्रॉप है जिसमें होम्योपैथी की प्रोस्टेट पर काम करने वाली बेहतरीन दवाओं का मिश्रण है। इसमें दोस्तों मुख्य तौर पर जो दवाइयां दी गई हैं, मैं शॉर्ट में आपसे बात करूंगा, क्योंकि दोस्तों इसमें जो दवाइयां हैं वो हमारे प्रोस्टेट ग्रंथि पर बहुत अच्छा से काम करता है और मुख्य तौर पर ये दवाइयां हमारे प्रोस्टेट ग्रंथि की वृद्धि को रोक देता है। प्रोस्टेट ग्रंथि पुरुषों में पाया जाने वाला एक ऐसा ग्रंथि है जो दोस्तों प्रोस्टेट फ्लूइड जो होता है, प्रोस्टेटिक फ्लूइड, उसका सेक्रेशन वो करता है। और पुरुषों में जब एज हो जाते हैं, एज के साथ आप देखेंगे कि 50 साल के बाद पुरुषों में प्रोस्टेट ग्रंथि की वृद्धि देखी जाती है। और दोस्तों प्रोस्टेट ग्रंथि की वृद्धि हो जाने से हम कई तरह के परेशानियों का सामना करते हैं, जैसे कि पेशाब का बूंद बूंद आना, पेशाब में जलन हो जाना, यूरिन रिटेंशन होता है, पेशाब में अवरोध होते हैं। कई बार आप देखेंगे कि इसके कारण यूटीआई हो जाता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है, जो यूटीआई हो जाता है, हमारा जो पेशाब की नली है उसमें दोस्तों आपको संक्रमण हो जाते हैं। कई बार आपके किडनी में पथरी हो जाते हैं, कई बार किडनी फेलियर जैसे लक्षण भी देखने को मिलते हैं। इस तरह से प्रोस्टेट ग्रंथि की वृद्धि खतरनाक भी हो जाता है, कई बार यह कैंसर का भी रूप लेता है, लेकिन शुरुआती दौर में दोस्तों ये कैंसर नहीं होता है। मुख्य तौर पर ये जो ड्रॉप है दोस्तों, इसमें जो दवाइयाँ दी गई हैं वो बहुत ही असरकारक हैं। इसमें जो सबसे पहली दवा है वो है दोस्तों चिमाफिला अम्बिलेटा, जो कि प्रोस्टेट ग्रंथि की वृद्धि को रोकने के लिए एक सर्वोत्तम दवा है। इसमें क्लेमेटिस विटाल्वा है, इसमें कोनियम है, इसमें फेरम पिक है, इसमें प्रेरा ब्रेभा है, इसमें दोस्तों पॉपुलस ट्रेमुलाइड्स है, इसमें पल्सटीला है, इसमें सेबाल सेरुलेटा है। मुख्य तौर पर सेबाल सेरुलेटा महा औषधि है प्रोस्टेट ग्रंथि की वृद्धि को रोकने के लिए। दोस्तों इस ड्रॉप को अगर आप लेते हैं तो आपको कुछ ही दिनों में असर दिखने लगता है। दोस्तों मुख्य तौर पर ये दवा जो है, ये R25, आपको इस दवा का सेवन कैसे करना है, आपको इस दवा का 15-15 बूंद 3 बार 4 चम्मच पानी में मिलाकर सुबह दोपहर शाम 3 बार लेना है, खाना खाने के आधा घंटा के बाद। और दोस्तों अगर प्रोस्टेट ग्रंथि में वृद्धि Grade 1 में, जैसे नॉर्मल जो प्रोस्टेट ग्रंथि की वृद्धि होती है वो आप देखेंगे कि 45 ग्राम 50 ग्राम चला जाता है, अगर दोस्तों 45-50 ग्राम आपका है और फिर यूरिन रिटेंशन हो जाते हैं, आपको पेशाब बूंद बूंद में आते हैं, बड़ा तकलीफ होता है, तो मैं कहूंगा कि R25 के साथ आपको सेबाल सेरुलेटा का मदर टिंचर भी साथ में लेना चाहिए। ये बहुत ही असरकारक होगा दोस्तों, सेबाल सेरुलेटा अगर आप लेते हैं इसके साथ तो बहुत अच्छा लाभ करेगा। आप इस सेबाल सेरुलेटा मदर टिंचर को 15-15 बूंद 3 बार 4 चम्मच पानी में मिलाकर लेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ करेगा। और दोस्तों खाना खाने के आधा घंटा के बाद लें। इन दोनों दवाइयों में दोस्तों आप 10 मिनट का अंतराल रखें, पहले आप मदर टिंचर का सेवन कर लें, उसके 15 मिनट के बाद आप इस ड्रॉप का सेवन करें तो आपको बहुत लाभ होगा। मैं आपको इसकी कीमत भी बता देता हूँ, R25 की जो अभी कीमत है वो है ₹250 एंड सेबाल सेरुलेटा की जो कीमत है दोस्तों ये है अभी ₹235। तो आप इसे खरीद कर आजमा सकते हैं और आप लाभ उठा सकते हैं। आज के इतना ही, प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।